मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बोले, मैं जानता हूं कि स्टारडम खो दूंगा, लेकिन मैं इससे डरता नहीं। सुपरस्टार आमिर खान का कहना है कि स्टारडम खोने की वो बिल्कुल चिंता नहीं करते। लगातार सक्सेसफुल और सुपरहिट फिल्म्स के चलते आमिर ने कमर्शियल फिल्म्स का दौर ही बदल दिया और इंडस्ट्री में अपने लिए खास मकाम बना लिया। एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि मुझे स्टारडम खोने का डर नहीं है, मैं बिल्कुल साफ हूँ कि मैं ये सब खोने जा रहा हूँ। इसको लेकर मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि एक दिन वो भी होगा जब ये मेरे पास नहीं होगा, तो फिर किस बात का डर। एक दिन निश्चित रूप से हम सबकी मौत भी आने वाली है, क्रिएटिविटी भी एक वक्त तक रहती है और आखिर में यह खत्म हो जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की बनाई हुई प्रकृति का नियम है, जिसका भी वजूद है वो एक दिन नष्ट होगा। मैं भी ये सब खो दूंगा, ये मुझे यकीन है। बता दें कि पिछले साल के आखिर में रिलीज हुई आमिर की फिल्म दंगल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जल्द ही उनकी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज होगी। अपने इस इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि उन्हें ये सोचकर नींद नहीं आती कि वो फिल्म प्रोडक्शन या डायरेक्शन के जटिल काम को सही पूरा कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो हासिल करना चाहते हैं क्या वो कर लिया है, मेरा सबसे बड़ा डर यही है। हम यहाँ कुछ गलत नहीं करना चाहते, अपनी क्रिएटिविटी नहीं खोना चाहते। मैं इन सब चीज़ों से डरता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। पिछले दशक में 52 साल के एक्टर आमिर ने 3 इडियट्स, पीके, धूम 3 और दंगल जैसी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं। इन फिल्म्स ने न केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी सफलता के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं।